डियर स्टूडेंट, हम आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लाइव क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं ओनली ऑन अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट, हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में ये लाइव क्लासेस होंगी, विच इज अवेलेबल ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारी बैचेस चल रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पिनेकल बैच, जिज्ञासा बैच, सो PCM, PCMB, PCMBE के लिए रहेंगे। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में लेक्चर रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, जो भी एजुकेटर आपको मिलेंगे सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर हैं। ऑल्सो बच्चों, मैं आप सभी को कह दूं कि टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी अवेलेबल है जो आप ऐप पे अवेल कर सकते हैं, तो ऐप को बच्चों ज़रूर डाउनलोड करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप अवेल कर सकते हैं अमेजिंग डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यस डियर स्टूडेंट, आपको 10% का एक बढ़िया डिस्काउंट मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड सर लाइव AM। ठीक है बच्चों, इस कोड को जरूर यूज करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। 24 मंथ का जो बच्चों सब्सक्रिप्शन है, इट इज जस्ट ओनली 20,000 रुपीज। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। 2 साल की 20,000 फीस, इट्स अ रियली लीस्ट अमाउंट। अब एजुकेटर अगर आप देखो, सारे बेस्ट एजुकेटर हैं, PCM, PCB, PCMB सबकी तैयारी हो रही है। दूसरी बात, सारे एजुकेटर रिनॉर्ड हैं, सारे वेल नोन टीचर्स हैं, सारे बेस्ट एजुकेटर हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज, PDF, टेस्ट, गाइडेंस, एवरीथिंग, मतलब आपकी प्रिपरेशन हुई एकदम आसान। लाइव क्लासेस अगर आप मिस होती हो तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एवरी फोर्थ लेक्चर इज अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर, तो आपके डाउट भी सॉल्व होंगे। तो बच्चों, इस कोड को जरूर यूज करें। कोड का नाम है सर लाइव AM और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। बच्चों, कुछ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप EMI से भी बाय कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं, ठीक है, और UPI है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, EMI है, तो बहुत सारे ऑप्शन पेमेंट के यहाँ पे आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, अच्छा आप क्रेडिट को भी रिडीम कर सकते हैं। बच्चों, एक और चीज, जीरो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की, अब अनअकैडमी के जरिए घर बैठे पढ़ना हुआ आसान। आज ही ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सर लाइव AM ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम आगे की सॉल्विंग पे प्रकाश डालते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y equals to f(x) using derivative of inverse of a function. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y equals to √x, हमें ना इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, हम इसको बोलेंगे एक्सप्रेस्ड इन y। अब इसको हम x के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सो y का स्क्वायर इक्वल्स टू x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेस इन y का मतलब है, एक्सप्रेस इन y का मतलब है ये y एक तरफ है, बाकी सब दूसरी तरफ है। अब ये हो गया एक्सप्रेस्ड इन x, समझ में आ रही है। अब डेरिवेटिव लेना है, सो इफ यू टेक अ डेरिवेटिव यू विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट वो x था क्या, वो x नहीं था, x का डेरिवेटिव 1। सो यह जाएगा dy by dx, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1/2y। दोस्तों y क्या था, रूट एक्स था। दिस इज हाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव। देखा हमने कितना आसानी से डेरिवेटिव ले लिया है।
सो प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से इसको लिख लीजिए, है ना? अच्छा, अगर आप y को इस तरीके से, y इक्वल टू रूट एक्स है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया तो x के फॉर्म में मिल गया, यू कैन कॉल इट एज अ इनवर्स एज वेल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, राइट? अगर आप x को 9 रखो तो y कितना आ जाएगा बताइए? इफ यू पुट x को 9 तो y 3 आ जाएगा, ठीक है? अब उल्टी प्रोसेस बताओ, x को 9 रखा तो y 3 मिला, y अगर 3 है तो x कितना होगा बताइए? दोनों साइड स्क्वायरिंग की 9, मतलब अगर y से x की ओर जाना है तो वी हैव टू डू अ स्क्वायर, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है इनवर्स, है ना? नेक्स्ट है y इक्वल्स टू x cos x, सेकेंड है y इक्वल्स टू x cos x। देखो अब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं ये तो नहीं है सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली ये अलग है, सो सॉरी। ये है y इक्वल्स टू रूट टू माइनस रूट एक्स, टेक स्क्वेयर बोथ साइड, अब रूट एक्स इधर ले लो, दिस इज टू माइनस वाई स्क्वेयर, सो एक्स इक्वल्स टू टू माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, अब डेरिवेटिव लो, नाउ टेक द डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2 माइनस वाई स्क्वायर रेस टू 1, और अगेन 2 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे दिस इज 1, सारे लोग डिनोमिनेटर में जाने को तैयार हैं, दिस इज 2 2 ज़ा 4 वाई माइनस इधर दे दिया तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, खत्म फिनिश ओवर। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। अच्छा आप रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो वाई को, है ना? सो इतना काम आप कर सकते हो, यू कैन रीसब्स्टिट्यूट वाई एज दिस टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 2, सो स्क्वायर बोथ साइड या टेक क्यूब बोथ साइड, सो दिस इज वाई क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 वाई स्क्वेयर। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और आगे बढ़ते हैं।
देखो फोर्थ और फिफ्थ काफी अच्छे सवाल हैं। लॉग ऑफ 2x-1 जस्ट ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो लॉक का एक नियम होता है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। मान के चलो y इक्वल्स टू लॉग एक्स दे रखा है, बेस में मान के चलो कुछ नहीं है तो e है। इसमें होता ऐसा है कि जो e है ये इस तरफ के रिजल्ट को सर पे उठा लेता है, समझ में आया? सो जाएगा e की पावर में y इक्वल्स टू एक्स। समझे? ई की पावर में वाई इक्वल्स टू एक्स। सो सिमिलरली इधर भी ई है, ये इधर ले लो, ये है ई रेस टू वाई इक्वल्स टू 2x-1, यह जाएगा ई रेस टू वाई प्लस 1। 2x का x रहने दो, 2 इधर। अब डेरिवेटिव लेना हुआ आसान, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। दोस्तों तो ई रेस टू वाई प्लस 1 अपॉन 2, इक्वल्स टू एक्स है। अब डेरिवेटिव लो तो 1/2 बाहर, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई, बट वो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था, एक्स का डेरिवेटिव 1। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ई रेस टू वाई। अगला है y इज इक्वल्स टू 2x+3। देखिए आप ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए आ रहा है क्या y इक्वल्स टू 2x+3?
देखिए एक और क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस थ्री। देखिए आपको आ रहा है क्या? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सेवेंथ देखिए आपको आ रहा है क्या? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एट देखिए आपको आ रहा है क्या? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो बंधु, सिंपल सी बात है यहां पे। हमने यहां पे फोर्थ क्वेश्चन करा, फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। अब डेरिवेटिव लेना हुआ आसान, x का डेरिवेटिव 1, 1/2 बाहर, ये है वाई डैश माइनस 0, लिखते नहीं है। सो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये निपट गया यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स माइनस 3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? y प्लस 3 इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। हमको क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, तो x को नीचे उतारने के लिए हम लोग ले लेंगे। सो लोगो वाई प्लस 3 आ जाएगा, इधर जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स। एक्स जो है नीचे उतर जाएगा, तो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स, लॉग ई की वैल्यू जो आ रही है वो है 1। आप डेरिवेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई रेस टू 2x माइनस 3। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि पावर को नीचे उतारना है हमको। सो ये हो जाएगा इधर लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, बट ये एक्स था क्या? ये एक्स नहीं था। टू एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव 2। सो फाइनली वाई डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y। वाई की पावर, वाई को हम लिख सकते हैं ई रेस टू 2x माइनस 3। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू बेस टू। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए दोस्तों इसकी सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले हम इसको बेस में दबा हुआ टू इधर उठा लेगा, सो टू रेस टू वाई इक्वल्स टू एक्स बाय टू। यहाँ तक कंसेप्ट पूरा नहीं हो रहा, तो ये जाएगा टू टाइम्स ऑफ टू रेस टू वाई इक्वल्स टू एक्स। इधर लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आ जाएगा टू बाहर, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए, बट ये एक्स था क्या, ये एक्स नहीं था, वाई डैश एंड एक्स का डेरिवेटिव वन। सो फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, वाई डैश इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू लॉग टू टू रेस टू वाई। अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, इफ यू विश टू सब्स्टिट्यूट समथिंग यू कैन डू इट। अदरवाइज इतना भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।